अगर आप साबूदाना भिगोना भूल गए हैं तो आप सोच रहे हैं कि अब कैसे बनाएं, तो चलिए मैं 5 मिनट में कुकर में कैसे साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं वो भी खिला खिला, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप साबूदाना लिया है, ये बिना भिगोए है, इसको हमें मिक्सी में दरदरा पीसना है, ज़्यादा नहीं पीसना है, 1 से 2 बार हमें घुमाना है मिक्सी को। देखिए हल्का हल्का दरदरा पीस गया है। उसके बाद एक बर्तन में हमें निकाल लेना है, उसी में 1/2 कप मैंने मूंगफली लिया है, इसको भी हमें दरदरा पीसना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ कढ़ाई गर्म होने पे घी या तेल जो भी आप खाते हैं वो ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून में तेल लिया है, 1/2 टेबल स्पून जीरा और हरी मिर्ची 2। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू डाल रही हूँ, कच्चा आलू है, इसको हमें भूनना है 20 से 30 सेकंड इसे भूनने के बाद यहाँ पे 6 से 7 कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप खाते हैं तो डाल सकते हैं वरना नहीं। उसके बाद जो मैंने मूंग को भूना था उसको डालेंगे। उसके बाद अच्छे से हमें मिलाना है, हमें ज़्यादा नहीं भूनना है इसे, बस अच्छे से मिलाने के बाद हमें यहाँ पे साबूदाना डाल देना है और गैस का फ्लेम लो रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, रॉक सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ 1/4 टेबल स्पून, इसकी जगह आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ 1/4 कप, और उसके बाद अच्छे से मिलाने के बाद 3 से 4 सीटी मीडियम फ्लेम पे लेना है। उसके बाद गैस ऑफ कर देना है। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला हमारा साबूदाने की खिचड़ी बनी है, और इसमें हरा धनिया खूब सारा डालेंगे। आप देख सकते हैं ना बिना भिगोए साबूदाने की खिचड़ी, आपको अब सोचने की ज़रूरत नहीं कि अब कैसे बनाएं। आप लोगों को अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।